नाम जानवी है और मैं कक्षा अष्टम स की छात्रा हूँ। आज शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। शंकराचार्य जयंती को सनातन धर्म में सबसे धार्मिक और पवित्र उत्सव में से एक माना जाता है। यह दिन आदि शंकराचार्य का जन्म का प्रतीक है, जिन्हें भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। उन्हें जगत गुरु के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने वैदिक ज्ञान का प्रचार किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष के दौरान वैशाख के हिंदू महीने की पंचमी तिथि यानी पांचवें दिन को श्री आदि शंकराचार्य जयंती का पर्व मनाया जाता है। उनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आरंभा और पिता का नाम शिवगुरु था। वे दोनों एक निमुंद्री ब्राह्मण दंपत्ति थे। वे दोनों लंबे समय से निःसंतान थे, जिसके कारण वे हमेशा शिव की उपासना में लीन रहते थे। एक दिन उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उनके सपने में प्रकट होकर शिव जी ने उन्हें सूचित किया कि वे जल्द ही उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। इसके कुछ ही दिन बाद उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने शंकर का नाम दिया। उनके गुरु का नाम गोविंदा था, जिनके मार्गदर्शन में उन्हें कई वेदों और अद्वैतों के बारे में असीम ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में भगवान विष्णु ने शंकर को बद्रीनाथ में दर्शन दिए और अलकनंदा नदी में देवता की मूर्ति बनाने के लिए कहा। वर्तमान समय में यह मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। सभी को उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्रों के प्राथमिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी देने में उनकी असीम भूमिका थी। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की थी। उन्होंने देश के चार अलग अलग कोनों में चार मठों की स्थापना की थी। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका।